देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य धरा में, जहां भगवान बद्री नारायण की अहर्निश शनिधि सब देव मनुष्यों को है, ऐसी दिव्य धरा उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पट्टीवल्ली कंडारशियों के ग्राम खोलीधार में कवि भगतराम पोखरियाल जी का 9 मार्च 1947 को जन्म हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया। उनकी लेखन कार्य में बाल्यावस्था से ही रुचि रही थी। इसी अभिरुचि के कारण रेलवे में सेवारत रहते हुए भी अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अनेक तरह की कविताओं का रचना पाठ सुंदर शब्दों में वर्णन कर अपने कवित्व को सदैव जागृत रखा। इसी मनोभाव को जीवन में अग्रसरित कर विभिन्न कवि गोष्ठियों में कविता पाठ के साथ साथ उनके आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम में कई एकांकी नाटक और वार्ताएं प्रसारित हुई। वह कर्मकांड और ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वह 14 जून 2014 को अपने दो पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़कर इस लोक से ब्रह्मलीन हो गए। उनका काव्य संग्रह मुझे यह देश प्यारा है के प्रकाशन पर तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने भी प्रशंसा पत्र लिखकर उनका उच्छावर्धन किया था। आज उनकी यह कविता इस देश में पैदा हुए हम सब लेखनी के देवता को मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सबके संज्ञान में लाकर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट अर्पित की है। कविवर ब्रह्मलीन आदरणीय भगतराम पोखरियाल जी के शब्दों को, पद्य को मैं आवाज दे रहा हूं, पंडित नारायण दत्त मढ़वा। इस देश में पैदा हुए हम सब लेखनी के देवता, आदित्य से गतिमान हूँ, देश हित लिखते रहें। इस देश में पैदा हुए हम सब लेखनी के देवता, आदित्य से गतिमान हूँ, देश हित लिखते रहें। गद्य हो या पद्य भी, गीत भी हो गजल भी, शांति ओ सद्भाव लेकर प्रेम रस लिखते रहें। आदित्य से गतिमान हूँ, देश हित लिखते रहें। दे सभी को मंत्रये सजग हो प्रहरी सदा, देश पर मिटने के ही गीत सब लिखते रहें। हो सुरक्षित बाल बूढ़े पुरुषों नारी सभी, इस चमन में शांति के ही पुष्प सब खिलते रहें। आदित्य से गतिमान हूँ, देश हित लिखते रहें। कौन है हिंदू यहाँ, कौन मुस्लिम सिख है, हिंद की संतान है हिंदवी दिखते रहें। वेद बाणी अति मनोहर है कुरान में वंदना, हो सत्कर्म में ही रत सदा, इंसान ही दिखते रहें। इस देश में पैदा हुए सब लेखनी के देवता, आदित्य से गतिमान हूँ, देश हित लिखते रहें। इसको गंगा ने भी सींचा प्यार से, यमुना ने भी, इस खुशनुमा आबो हवा को सब सींचते दिखते रहें। शांति हो या गदर हो, हम कंधा मिलाकर सब चलें, देश हित ही राष्ट्र है, इस मार्ग पर चलते रहें। आदित्य से गतिमान हूँ, देश हित लिखते रहें।
यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, और हाँ पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो उस पर नोटिफिकेशन की बेल आती है ना उसको पुश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।